चले गए पंडित जी, बैठे हैं, तुमसे बात करना है। देखो हम तो बाहर रहेंगे, अकेले रहेंगे, कोनो बात का डर नहीं है हमको, लेकिन वो पिरग्या है ना, उस घर में जा रही है, उस घर में वो दोनों डायन भी है, उसे के साथ रहेगी, उन्हों गलती ना हो जाए उससे, आप संभाल लेना थोड़ा, है ना। अच्छा काम करने जा रही है, उसको उसका पति से मिला दो, दोनों अपसे को पिरग्या को खुश रखो। हम जानते हैं तुम बहुत बिजी हो, सबका सुनना पड़ता है तुमको, लेकिन अभी कुछ दिन है ना, वो केवल अपसे को पिरग्या को दे दो। तुम जो पिरग्या को उसका सुहाग लौटा दोगी ना, तो हम एक महीना तक सुहाग का सारा सामान फ्री में बेचेंगे, सच्चे बता रहे हैं तुमको। बबली, मेरी डॉल की ड्रेस खराब हो गई है। कोई बात नहीं, हम दूसरी ले आएंगे। चलो कुछ नहीं हुआ, छोटी सी चोट है भाई, हैं? अभी ठीक हो जानी है। मिताली पुत्र, तू जा जाके दवाई लेके आ। जी अभी लाई। छोटी सी, खून बह रहा है बच्ची का। साथ साथ फूक भी मार पुत्र, ओ पम्मी होती ना तो एक ही फूक में काम हो जाना था जी। कितना अच्छा लग रहा है वापस घर आके, अपने परिवार को एक साथ देख के। बस 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 पुत्र बस। ये ऐसे नहीं रोते, आप तो बहादुर बच्चे हो, है ना? मम्मा को दवाई लगाने दो। बस करो, मुझे नहीं लगानी है दवाई, मुझे पता आप हमसे प्यार नहीं करते, इसलिए आपने हमें हॉस्टल भेजा। नहीं लगानी मुझे ये दवाई, आप जाओ यहाँ से। बबली ऐसे नहीं बोलते ना मम्मा को। मम्मा पापा अपने हर बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो देखो तुम्हारी दर्द में उनको दर्द होता है, तुम्हारी खुशी में उनको खुशी होती है ना? और हर बच्चा अपने मम्मा पापा के लिए बहुत स्पेशल होता है। जाओ मम्मा को जाके सॉरी बोलो। अरे मम्मा, तुम्हारी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ ये हुई ना गुड गर्ल वाली बात। बबली बेटा जाओ खेलो, लेकिन गिरना नहीं, संभल के। और ये है मेरी सबसे प्यारी बच्ची, मेरी बहू, जो पूरे घर को संभाले रखती है। ये ना हो ना तो घर तो घर ही नहीं लगता। अरे बेटा तू रो क्यों रही है? नहीं ऐसे ही। ऐसे ही क्या, बच्चों को लेके तू ऐसे ही इमोशनल हो जाती है? और इस घर में बंटी और बबली को तुमसे ज्यादा कोई प्यार करता है भला? बच्चों को देख के ये कुछ अलग सी बन जाती है। मैं तो सोचती हूँ जब ये माँ बनेगी तो अपने बच्चों को तो बहुत प्यार करेगी ना। दादी आपने बिल्कुल सही वक्त पर सही बात छेड़ी है। अब हम सब लोग खड़े हुए हैं तो हम सबके सामने इससे पूछो कि घर में इसकी गोद भराई की रस्म हम कब रख सकते हैं? अब बांटी बबली भी ना बड़े हो गए हैं, अब उनकी खिलौनों से खेलने की उम्र नहीं रही, उन्हें तो अब एक छोटा अभी या छोटी सी प्रज्ञा चाहिए। दीदी जिंदगी में आज पहली बार मिताली ने कोई सही बात की है। हाँ भी प्रज्ञा बताओ कब करे गोद भराई की रस्म? हाँ बेटा अब तो जल्दी से खुशखबरी सुना ही दे।
दीदी मैं तो कहती हूँ अभी और प्रज्ञा को दोनों को साथ में खड़ा करके पूछो कि कब करे हम गोद भराई की रस्म। इस अकेले से क्या पूछना भला। ओए ओए, आप इन दोनों को साथ में खड़ा करके पूछ लो चाहे, जवाब इन्होंने फिर भी नहीं देना। अरे तो एक काम कर लेते ना, मैं और पापा जा करके अभी से पूछ लेते हैं और आप लोग प्रज्ञा से पूछ लो। चलिए पापा चलो। एक काम करते हैं, इन दोनों को बाहर अकेला भेज देते, जब ये दोनों आएंगे ना तो गुड न्यूज अपने आप साथ आ जाएगी। प्रज्ञा इधर आओ। वो क्या तेरी नौकर लगी हुई है जो तेरी बात सुन के आ जाएगी? और वैसे भी तू देख नहीं रही कि फैमिली डिस्कशन चल रहा है। गेस्ट आर नॉट अलाउड। अब प्रज्ञा तू जा, जाके है ना अभी को देख, सुबह से ना उसने नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया, तू जाके उसे समझ। जा बेटा जा। प्रज्ञा बेटा एक बात बोलूं, आज तो तू बहुत ही प्यारी प्रज्ञा लग रही है। बीच में कभी कभी बड़ी अजीब सी लगती थी और आज तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पहली वाली प्रज्ञा है। क्यों इंदु? हाँ दीदी, आज तो इसके चेहरे पे ना कुछ अलग सी रौनक है। मैं चाहकर भी आपको बता नहीं सकती कि मैं ही आपकी प्रज्ञा हूँ। ये बात आलिया और तनु तक पहुंची तो वो उन बच्चों के साथ पता नहीं क्या करेंगे। हद हो गई है। तो हम मुन्नी को अभी की बीवी बना के इस घर में लाए थे और यहाँ पे फैमिली अभी की बच्चे की माँ बनाना चाहते हैं उसे। और मुन्नी अनपढ़ गवार कहेगी, ऐसे शर्मा रही थी बच्चों के नाम से। लेकिन उसे फर्क भी क्या पड़ता है, एक बार अगर बच्चा हो गया तो वो तो परमानेंट इसी घर में रह जाएगी ना, और निकाला जाएगा मुझे इस घर से। ये मिल जाए मुझे, इस मुन्नी को मैं बता दूं कि फैमिली प्लानिंग होती कैसे। वो अंदर है मेरे इतने पास, फिर भी लग रहा है जैसे हम कितने दूर हैं। कितना इंतजार किया था मैंने इस पल का, और आज जब उनसे मिलने का वक्त आया तो हिम्मत ही नहीं हो रही आगे बढ़ने की। हर कदम पे दिल जोर से धड़क रहा है। कैसे जाऊंगी उनके पास और क्या कहूंगी कि हम कैसे अलग हुए। I love you, Fuki. नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये तो सिर्फ मुझे ही पता है कि मैं उनसे इतने वक्त बाद मिल रही हूँ। उनके लिए तो मैं उनके साथ ही थी, वो तो मुझे वैसे ही मिलेंगे जैसे हर रोज मिलते हैं, पर मैं कैसे मिलूंगी। देखूंगी तो देखते ही रह जाऊंगी और कैसे रोकूंगी अपने आंसुओं को। वो पूछेंगे कि मैं रो क्यों रही हूं तो क्या जवाब दूंगी। मैं कोई बात ही नहीं करूंगी, सिर्फ उन्हें बोलने दूंगी। ये तो कमरे में नहीं है, मैं ऐसे ही इतना घबरा रही थी। चलो थोड़ा वक्त और मिल गया खुद को तैयार करने के लिए। कमरा कितना बदल गया है, पहले से ज्यादा तस्वीरें हैं हमारी, हर एक याद को अपने साथ रखा हुआ, और मैं यूं ही इनके बारे में गलत सोच रही थी। Forget.
शांत हो जाइए, मैं कुछ करती हूँ। अरे करना क्या है, पानी चला गया, पानी लेकर आओ। एक तो मुंबई में इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से पानी की कमी कैसे हो सकती है? मेरी आंखों में कुछ तो करो। आप शांत हो जाइए, आप इधर आइए, इधर इधर आइए, बैठिए इधर, इधर 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 बैठिए, इधर बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी बैठे, मैं अभी आती हूँ। तू कहीं नहीं जाओगी, मेरे को एक तुमने वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, अब क्या जा रही हो तुम? अब बैठ, अब बैठ। फुकी प्लीज मत जाना, ये आग बहुत जल, पानी चाहिए पानी। बस बस कहीं नहीं भागे, बस पानी लेने गई थी। पानी बाथरूम में पानी है क्या? बाथरूम में पानी नहीं है, लेकिन बेडरूम में तो पानी था ना, वहीं से लेकर आई। चुपचाप बैठिए एकदम, और मैं आपकी सारा ये साबुन साफ कर दे। आओ, आओ। चुपचाप बैठिए ना। आओ, अच्छा मैं तुम्हारी आंखों में साबुन डालता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ तो तुम कैसे चुपचाप बैठी रहे। आप चुप बैठेंगे या नहीं? तुम मुझे डांट रही हो? नहीं नहीं, मैं तो समझा रही हूँ, मैं बस समझा रही हूँ कि अगर आप चुप नहीं बैठेंगे तो मैं साफ कैसे करूंगी। मैं कोशिश करता हूँ, फिर अगर मैं साफ नहीं कर पाई फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा दोबारा पानी। आराम से, आराम से, ठंडा है, बहुत ठंडा है। ये तुम्हारी भाषा कैसे बदल गई? मतलब तुम्हारी हिंदी वैसी वापस आ गई जैसे मेरी याददाश्त वापस आ गई थी। ये मैं क्या कर रही थी? मुझे तो मुन्नी की तरह बात करनी चाहिए। एन? नहीं नहीं, वो चल रहा है। अरे वो तो हम आपका ध्यान बटाने के लिए, ध्यान बटाने के लिए मैं हम कर रहे थे ध्यान बटाने के। स्मार्ट गर्ल, हर दर्द की दवा हो तुम डार्लिंग, एसी की ठंडी हवा हो तुम। तुम रो क्यों रही हो? वो साबुन, साबुन चला गया था। साबुन गया आंखों में? अच्छा हुआ ना। अच्छा हुआ मतलब? मतलब अभी तुमने मुझे निलाया, अब मैं तुम्हें निलाऊंगा कस कस के। जी नहीं। नहीं मतलब? अरे देखो, तुम जानती हो ना कि मैं किसी के ऐसा नहीं रखता, जैसे को तैसा मेरी पॉलिसी। मुझे नहीं चाहिए आपकी पॉलिसी, अपने पास रखिए। सब अपनी पहली कस्टमर हो तुम, बिना पोनी के तो जाने नहीं दूंगा। इतना इतना नहीं चल रहा, मैं जाती हूँ। इतना उतना छोड़ो, अब तो कहीं नहीं जाओगी तुम। मैं हम आपको परमिशन ही नहीं देंगे। परमिशन कौन मांग रहा है? ये तो हक है मेरा। हक भी नहीं देंगे। ठीक है तो हम लड़ लेते हैं, जो जीता हक उसी का। क्यों लड़ना चाहते हैं? सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लड़ तो तुम रही हो, ये तो मेरा प्यार करने का तरीका है।
जरा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे। मुझे आज तुम बदली बदली सी क्यों लग रही हो? मेरी वही प्रज्ञा जिसे मैं मिस कर रहा था। हाँ, मैं आपकी ही प्रज्ञा हूँ जो आपसे दूर हो गई थी और अब आपके पास आ गई है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा एहसास वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। तुम्हारे गुस्से में भी तुम्हारा प्यार दिखा। सोचा था आपसे मिलूंगी तो खुद को काबू में नहीं रख पाऊंगी, पर अब तक तो शायद आपको पता ही चल चुका होगा कि मैं खुद वापस आ गई हूँ। तुमसे प्यार करने का यही फायदा है कि हर बार तुम्हारा एक नया रूप देखने को मिलता है और मुझे उससे भी प्यार हो जाता है। बस इस प्यार को कम मत होने दीजिएगा। आपकी फुगी वापस आ गई है और अब कभी आपसे दूर नहीं जाएगी। कुछ कहा तुमने? मैं जाती हूँ। फुगी। हाँ जी। कुछ नहीं, तुम जा। अरे मैं कब से पूछ रही हूँ, जो सामान लाने को कहा था वो कहाँ है? अरे दादी, तो मैं भी तो तब से आपको बोल रही हूँ कि वो सामान मैंने प्रज्ञा के हाथों घर भिजवा दिया था। लगता है जो मैंने प्रज्ञा को करने के लिए कहा था ना, वो उसने नहीं किया और मुझे फंसा दिया। दादी, मैं जब मंदिर गई ना, तो मैं जैसे वहां पहुंची तो प्रज्ञा वहां पर पहले से ही थी। तो मैंने ना वो सामान उसको दिया और उसको बोला जैसा आपने मुझे करने के लिए बोला था, सेम टू सेम मैंने उसे बता दिया तो और मैं पार्लर निकल गई। मतलब प्रज्ञा को सामान दिया था, जब मैंने तुझे लाने को कहा तो प्रज्ञा को सामान क्यों दिया? जा फिर लेके आ प्रज्ञा से सामान, चल। हाँ, एक मिनट दादी, प्रज्ञा को बुलाना है ना, मैं बुला आती हूँ। क्यों, तुम क्यों बुला लाती है? मुझे भी एक्चुअली प्रज्ञा से कुछ काम था, मैं उसी से मिलने जा रही थी तो सोचा आपका भी काम कर देती हूँ। मैं उसे बोल दूंगी कि आप बुला रही हैं। ओके, दादी घर में सब लोगों को कहो कि अपने कमरे में ही रहे। हम्म, क्यों? क्रिकेट रंग बदल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन ये कहीं नजर नहीं आ रही। मुन्नी, नहीं चलो, अगर किसी ने सुन लिया तो मुन्नी बुला रही है तो फालतू में जवाब पूछे। प्रज्ञा, प्रज्ञा, नहीं, तनु को मत बताइए कि मैं यहाँ। क्यों नहीं बताऊं? प्रॉब्लम क्या है? बस मत बताइए प्लीज। हमारी शादी हुई है, पति पत्नी है, क्या फर्क पड़ता है उसे पता चले? आप समझ नहीं रहे ना, मैं इसमें समझने वाली कौन सी बात है? देखिए वो, मैं नहीं चाहती कि तनु घर में बाकी सबको बता दे कि। बताने दो, सबको भी जानने दो कि हम बाथरूम में एंजॉय कर रहे हैं। नहीं देखिए, आप दादी को क्या कहेंगे, मतलब हम दोनों ऐसे बाथरूम में, मतलब दादी को मैं संभाल लूंगा। प्रज्ञा, तुम अंदर हो क्या? हाँ, कौन है बाहर? अभी मैं हूँ, तनु। हाँ, क्या काम है और तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं एक्चुअली प्रज्ञा को ढूंढ रही थी, तुमने उसे कहीं देखा है क्या? वो मेरे साथ बाथरूम में नहा रही है। वो क्या है ना, मेरा हाथ पीठ तक नहीं पहुंचता ना, तो पीठ घसने में मदद कर रही है वो।
क्या वो तुम्हारे साथ अंदर शावर ले रही है? अगर मैं तुमसे कहूँ कि हम दोनों चड्डी पहनकर आसमान में उड़ रहे हैं तो तुम क्या विश्वास करोगी? नहीं ना, तो ढूंढ लो घर में कहीं होंगे वो। नहीं 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 अभी मैं वो तो तुमने जो कहा मैंने बस वही पूछा। अब तुम जा सकती हो और दोबारा मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मैं जा रही हूँ। और जाते वक्त कमरे का दरवाजा जोर से बंद करना, दरवाजे के बंद होने की आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। मतलब वो मुनि इस वक्त अभी के साथ उसके बाथरूम में? उसकी इतनी हिम्मत, बेडरूम से सीधा बाथरूम। मेरा शक सही था कि मुनि अभी पे डोरे डाल रही है। तनु आ गई मेरी जान की दुश्मन, अब तो जाना ही पड़ेगा। क्या कर क्या रहे थे आप? उसे पता चल जाता कि मैं अंदर हूँ तो? अरे क्यों, क्या फर्क पड़ता है, पति पत्नी है, हम बाथरूम में एंजॉय करें, कुछ भी करें, उसे क्या? आपको शौक है उसके जाल में फंसने का, बार बार आप उसके जाल में जानबूझकर फंसना चाहते हैं। अरे क्या खाकर आई थी तुम? जब से देख रहे हो सिर्फ डांट ही रही हो। कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ गाँव की भोली भाली छोरी थी, फिर से हिटलर बन गई। वो तो करना पड़ा। करना पड़ा मतलब क्यों? था कोई कारण। क्या कारण बता दो। ऑफकोर्स बताओ। मैं नहीं बताऊंगी। अरे बताओ तो। मैं बताऊंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, फिर गुस्सा करेंगे। अरे नहीं करूंगा गुस्सा, तुम मुझे बताओ तो सही। नहीं नहीं बताओ। कहाँ देखकर चल रही हूँ मैं, कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मिली क्या? मिली भी और नहीं भी। क्या मतलब है? मतलब उसे देखा नहीं पर उसकी आवाज सुनी, वो भी बाथरूम से। हाँ तो? अरे तो उस बाथरूम से अभी की भी आवाज आई, वो दोनों बाथरूम में साथ थे। क्या? हाँ आलिया मैं बता रही हूँ, मुनि के चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो वो एक भी मौका नहीं छोड़ती अभी को सिड्यूस करने का। ओ तनु बहुत हो गया तुम्हारा यार, कुछ तो अकल की बात करा करो। जब देखो कुछ कुछ ना कुछ अजीब ही बोलती हो तुम। पहले तुमने बोला कि वो भाई से प्यार करने लगी, फिर तुम बोल रही हो कि वो भाई को मारना चाहती थी, और अब तुम बोल रही हो कि वो भाई को सिड्यूस करना चाहती। हाँ आलिया मैं तुम्हें सच, मैं तुम्हें नहीं, तुम तुम्हें जरूरत है डॉक्टर की, मुझे नहीं, समझी तुम? लेकिन आलिया मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ, दोनों बातों में एक साथ है आलिया। अरे बताओ ना, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। इसीलिए तो मैं नहीं बताती, मुझे पता था कि आप मुझे डांटेंगे, आप मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, आपको तो बहाना चाहिए मुझसे झगड़ा करने का, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताती हूँ। आज चक्कर लग रहा है कि एक्सीडेंट के बाद अब मुझे मेरी पहली वाली प्रज्ञा मिल गई। जब तुम मुझे डांटती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर जो अधूरापन है ना पूरा हो जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है। वैसे सुकून से याद है, याद है दादी क्या कहती थी कि अगर हम दादी को पर पोते या पर पतिया दे देंगे तो दादी को भी अच्छा लगेगा, उनके भी दिल को सुकून मिलेगा। तो अब तो मौका भी है और दस्तूर भी, मतलब अगर लड़का हुआ ना तो लड़का बिल्कुल मेरी तरह होना चाहिए, और अगर लड़की हुई ना तो लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह होनी चाहिए, और अगर जुड़वा हुआ तो उसका नाम हम अभी क्या रख देंगे, वही नाम जो तुमने सजेस्ट किया था याद है? मैं तो बोल रहा हूँ अमीर लूंगी उठाती तुम्हें डिस्को दिखाती डिओड्रेंट लगा के आती, तुम रुको। प्रज्ञा प्रज्ञा फुकी तुम वापस आ गई, लड़ तो तुम रही हो, ये तो मेरा प्यार करने का तरीका है। इन्होंने मेरी आहट पहचान ली और मैंने इनकी खुशबू। जब तक आपसे दूर थी मेरी सांसों में आपकी खुशबू का एहसास था, और आज ऐसे लगा जैसे मेरी सांसों से वो खुशबू हवा में बहने लगी। धूप से निकल के कितना तरस गई थी मैं आपसे मिलने को, आपको छूने के लिए, और आज जब आपको छुआ तो जैसे लगा होश में आई हूँ। आप शीशे में ढल के जम गया तो तेरे
ये हो क्या रहा है मुझे? उसे ऐसे क्यों ढूंढ रहा हूँ जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद मिल रही हूँ? और ये मुझे बाथरूम में क्या हो गया था? उसे ऐसे फील कर रहा था जैसे उसका एहसास कहीं खो गया था। और प्रज्ञा वो भी ऐसे शर्माई जैसे पहले शर्माती थी। आज सब वैसे हो रहा है जैसे पहले प्यार में होता था, जब किसी के इंतजार में भी एक अलग सा मजा होता था। दादी क्या कहती थी कि अगर हम दादी को पर पोते या पर पतिया दे देंगे तो दादी को भी अच्छा लगेगा, उनके भी दिल को सुकून मिलेगा। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, प्यार से मांगी हुई कोई ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं भी तो चाहती हूँ कि लगता है फुकी से फिर से प्यार हो गया, और आज तो इतने दिनों बाद उसकी आंखों में भी प्यार देखा, जिसके लिए मैं उसे कब से कह रहा था। आज नाना करते उसने हाँ कर दी और मेरी जैसी कोई ख्वाहिश ही पूरी कर दी। But damn, I'm in love. हम आ तो गए छुटका छुटकी का खोज में, पर अब ढूंढेंगे कहाँ? पता नहीं यहाँ किसी को पता भी होगा कि नहीं उन दोनों के बारे में। हमको बस कोनो सुराग ढूंढना पड़ेगा, वो मिल जाए तो बच्चा लोग को तो हम ढूंढ ही लेंगे। बस अब शुरुआत कहाँ से करें वो देखना है। अब मुझे संभालना होगा अपने आप को, मैं ऐसे कैसे सबके सामने इमोशनल नहीं। प्लीज प्रज्ञा काम डाउन, रिलैक्स। देखो अब बाहर अपनी फैमिली के सामने जितना हो सके उतना नॉर्मल रहने की कोशिश करो, लेकिन अगर ये मेरे सामने आ गए तो फिर तो मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं प्रज्ञा, तुम्हें अपने इमोशंस को संभालना होगा, और तुम्हारी भाषा, ये तुम प्रज्ञा की तरह, लेकिन मैं तो प्रज्ञा की तरह बात कर सकती हूँ ना, मैं प्रज्ञा हूँ और किसी को बुरा नहीं लगेगा। सिर्फ आलिया और तनु के सामने मैं मुन्नी की जैसे बात करूंगी। चैलेंज समझो, धमकी तुम लोगों की चॉइस है, लेकिन हाँ एक बात की मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारा जो सपना है ना खुद को शादी के जोड़े में देखने का, वो पूरा जरूर होगा। लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र वो तुम्हारा नहीं होगा। प्रज्ञा, ये तुमने प्रज्ञा की साड़ी क्यों पहनी? तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? और ये साड़ी टैटू कहाँ गए तुम्हारे? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे ये मैंने क्या कर दिया, मुझे कम से कम मुन्नी की तरह बाल तो बनाने चाहिए थे, अब क्या करूँ? वैसे तो बड़ी जुबान चलती तुम्हारी, आज क्या मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। हे भगवान,
इसे शक ना हो जाए। कुछ नहीं बोलूंगी तो पक्का शक हो जाएगा, पर बोलूं क्या? से गूंगी बनके क्यों खड़ी है, जवाब दो मुझे। हकला क्यों रही हो, जवाब दो सीधे सीधे। मुन्नी का रूप धारण कर लिया, इसे चुप कराने के लिए मुझे मुन्नी की तरह बोलना भी पड़ेगा। अरे हम क्या जवाब दें, आप सही सवाल ही नहीं कर रहे, आप गलत सवाल कर रहे, गलत सवाल का सही जवाब कैसे दें? और तरीका होता है कोई भी सवाल करने का, तरीका ही गलत है तो हम कैसे सही जवाब देंगे? अब देखिए आप हमको तुम हमको बोली थी कि हम प्रज्ञा जैसा बने, तो हम उसके जैसा ही बन रहे हैं, उसके जैसा कपड़ा पहन रहे हैं, प्रज्ञा जैसा बाल। बस बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, अगर तुम प्रज्ञा बनने की कोशिश कर रही हो तो ये सब कुछ तुम अकेले मैनेज नहीं कर सकती, तुम्हारी हेल्प कौन कर रहा है? जवाब दो मुझे, कौन हेल्प कर रहा है तुम्हारी?